अगर आप Netflix के टॉप 10 सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं जो हिंदी में अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। साथ ही हम वो सभी सीरीज की IMDb रेटिंग भी बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं हम लॉस्ट इन स्पेस से। ये सीरीज आई थी 2018 में और इसके अब तक 2 सीजन्स आए हुए हैं और टोटल इसके 21 एपिसोड्स अब तक रिलीज हो चुके हैं। ये सीरीज में होता यह है कि बहुत सारे फैमिलीज को एक स्पेस स्टेशन पर लाया जाता है और उनको वहां से अलग अलग प्लैनेट्स पर भेजा जाता है ताकि वो उन प्लैनेट्स पर जाकर ह्यूमन स्पीशीज को फैलाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक प्लैनेट पर ह्यूमंस मौजूद रहें। इनका ये मिशन बीच में ही रुक जाता है क्योंकि एलियंस आकर उस स्पेस स्टेशन को अटैक कर देते हैं और उसकी वजह से एक वर्म होल क्रिएट हो जाता है। हमारी सीरीज की मेन फैमिली उस वर्म होल के द्वारा ट्रैवल कर एक एलियन प्लैनेट पर पहुंच जाती है और वहां पर उन्हें एक मैकेनिकल एलियन मिलता है जो कि हार्मफुल नहीं होता। तो आगे क्या होता है उनके साथ, यही हमें इस सीरीज में देखना होगा। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको साइंस फिक्शन और स्पेसशिप एलियंस में इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज चेकआउट करनी होगी। इस सीरीज को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हम बात करने वाले हैं 2018 की सीरीज यू के बारे में। ये एक रोमांटिक थ्रिलर सीरीज है जिसके 2 सीजन अभी तक आ चुके हैं और इसके टोटल 21 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। आप सभी लोगों ने बहुत सारे सीरीज और मूवीज में देखा होगा कि एक लड़का कैसे एक लड़की को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हदों को पार करने के लिए तैयार होता है। इस सीरीज में उसी चीजों को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। सीरीज है जो नाम के लड़के के बारे में जो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। सीरीज में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसके कारण उसको बहुत सारे क्राइम्स और मर्डर्स भी करने पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है, आपको ये सीरीज में देखने को मिलेगा। ये सीरीज को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2018 की सीरीज चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना के बारे में। ये सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और इसके टोटल 36 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज है सबरीना नाम की एक लड़की के बारे में जो एक हाफ विच होती है। उसको अपने 16 बर्थडे पर ये डिसाइड करना होता है कि वो एक ह्यूमन लाइफ जीना चाहती है अपने दोस्तों के साथ या फिर एक विच बनकर अपनी क्लैन के साथ अंधेरी दुनिया में जाना चाहती है। वो कुछ ऐसा डिसीजन ले लेती है जिससे कि दोनों दुनिया बदल कर रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है, आपको ये सीरीज में देखने को मिलेगा। ये सीरीज को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। आप इसको Netflix पर हिंदी में भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2020 की सीरीज लॉक एंड की के बारे में। ये एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसका अब तक एक सीजन आ चुका है और इसके टोटल 11 एपिसोड्स हैं। सीरीज है कुछ बच्चों के बारे में जिनके पिता की मौत हो जाती है और वो अपने पिता के घर पर चले जाते हैं जिसका नाम होता है द की हाउस। वहां पर जाने के बाद उन बच्चों को कुछ ऐसी जादुई चाबियां मिलती हैं जिससे कि अगर कोई डोर अनलॉक होता है तो वो दूसरी दुनिया में उनको लेकर चला जाता है। उस घर पर कुछ ऐसी शैतानी शक्तियां होते हैं जो इन बच्चों को उन चाबियों का इस्तेमाल करने से रोकना चाहते हैं और उन चाबियों को हड़पना चाहते हैं। ये एक बहुत ही मजेदार सीरीज है, आपको ये सीरीज जरूर चेकआउट करनी होगी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। सीरीज को 7.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2020 की सीरीज मसीहा के बारे में। ये एक थ्रिलर सीरीज है जिसके अब तक 10 एपिसोड आ चुके हैं और उसका टोटल एक सीजन है। ये सीरीज की शुरुआत होती है जब CIA एजेंसी एक आदमी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वो आदमी उनको बताता है कि वो एक मैसेंजर है और वो दुनिया को बदलने के लिए आ चुका है, पर वो CIA एजेंसी उसका यकीन नहीं करते क्योंकि जिस कंट्री से वो आदमी आता है उस कंट्री में मैसेंजर्स नहीं बल्कि सिर्फ टेररिस्ट मौजूद रहते हैं। ये आदमी के बहुत ज्यादा करोड़ों में फॉलोअर्स बन चुके होते हैं और ये सीरीज को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2019 की सीरीज द विचर के बारे में। ये एक एक्शन फैंटेसी सीरीज है जिसके अब तक 8 एपिसोड्स और एक सीजन आ चुका है। इसका सेकेंड सीजन भी बहुत जल्द आने वाला है। सीरीज में आपको हेनरी कैवल नजर आएंगे जो द विचर का रोल निभाते हैं। विचर एक मॉन्स्टर हंटर होता है और उसकी डेस्टिनी होती है कि वो एक लड़की को मिले और उसकी कुछ डेस्टिनी को फुलफिल करें। ये सीरीज बेस्ड है द विचर नाम की नॉवेल और द विचर गेम के ऊपर। आपको देखते हुए ये सीरीज में बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इसमें हॉलीवुड लेवल का एक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये सीरीज की स्टोरी लाइन अलग अलग टाइमलाइन पर चल रही होती है, इसलिए आपको ये सीरीज देखनी होगी इसकी स्टोरी को ठीक से समझने के लिए। ये सीरीज को 8.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर और आप ये सीरीज को इंग्लिश और हिंदी दोनों में चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक के बारे में। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो 2013 में रिलीज हुई थी और इसके अब तक 7 सीजन आ चुके हैं।
ये सीरीज है एक औरत के बारे में जो बहुत साल पहले ड्रग्स को स्मगल करती थी और उसी क्राइम के कारण उसको जेल जाना पड़ता है। तो कैसे वो जेल के मुश्किलों का सामना करती है और कैसे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, यही हमें इस सीरीज़ में देखना होगा। ये सीरीज़ आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स देखने को मिलेंगे। ये सीरीज को 8.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लूसीफर के बारे में। ये एक मिस्ट्री फैंटेसी सीरीज है जो 2016 में रिलीज हुई थी और इसके अब तक 5 सीजन आ चुके हैं। स्टोरी है लूसीफर नाम के एक डीमन की जो हेल को छोड़कर लॉस एंजलिस पर आ जाता है और वो एक क्लब को रन करता है बिल्कुल एक ह्यूमन की शक्ल में। फिर धीरे धीरे वो पुलिस के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और उनकी मदद करने लग पड़ता है उनके क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो लूसीफर का ये करना कैसे उसकी ज़िंदगी को बदल देता है और कैसे उसके आसपास के लोगों को अफेक्ट करता है, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आपको मिस्ट्री और फैंटेसी जॉनरा पसंद है तो आपको ये सीरीज जरूर चेकआउट करनी होगी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है और इसको रेटिंग मिली है 8.2 की आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ओजार्क के बारे में। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2017 में और इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और टोटल इसके 30 एपिसोड्स हैं। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जहां पर मार्टी नाम का एक फाइनेंशियल प्लानर एक डॉन के चंगुल में फंस जाता है। इनिशियली वो शिकागो में रहता है अपनी बीवी वेंडी और 2 बच्चों के साथ, पर उसको ओजार्क नाम के एक छोटे से शहर पर जाना पड़ता है। मार्टी को उसकी और उसकी फैमिली की जान बचाने के लिए उस डॉन को $500 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग करनी होगी। यही मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए वो ओजार्क चला जाता है। ओजार्क जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहां पर एक और डॉन मौजूद रहता है। मनी लॉन्ड्रिंग करने के टाइम पर मार्टी के पीछे FBI भी पड़ जाती है। तो कैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए अपनी जान को बचा पाता है या फिर नहीं, हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ये सीरीज को 8.4 की रेटिंग मिली है IMDb पर आउट ऑफ 10 और ये सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में चेकआउट कर सकते हैं। इस सीरीज का 4th सीजन भी आने वाला है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप ब्रेकिंग बैड के फैन हो तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज चेकआउट करनी होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में। ये एक हॉरर साइंस फिक्शन सीरीज है जो 2016 में रिलीज हुई थी। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और हर एक सीजन में 8 एपिसोड हैं। इसका 4th सीजन बहुत जल्द आने वाला है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि ये पहली सीरीज थी जिसको देखने के बाद मैं नेटफ्लिक्स एक्सप्लोर करने लगा और मुझे बहुत सारे सीरीज देखने को मिली। ये स्टोरी है 4 बच्चों की जो कि दोस्त होते हैं और वह रहते हैं हॉकिंग नाम के एक छोटे से शहर में। अचानक एक रात उनमें से एक दोस्त गायब हो जाता है और वहां की सारी पुलिस और वहां के लोग उसको ढूंढने में लग जाते हैं। तभी उन 3 दोस्तों को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है 11। उसके पास कुछ ऐसे सुपरनेचुरल पावर्स होते हैं जिसको एक्सप्लॉइट करने के लिए वहां की सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। तो कैसे वो बच्चे अपनी जान बचाते हुए उस सीक्रेट एजेंसी का सामना करते हैं, यही हमें इस सीरीज में देखना होगा। साथ ही हमें कुछ ऐसे सुपरनेचुरल फोर्सेस के बारे में दिखाया गया है जो दूसरी दुनिया से हॉकिंस में आ जाते हैं। उनका भी सामना ये बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। सीरीज को 8.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर और कहा जाता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स वन ऑफ द बेस्ट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है। अगर आप ऐसे ही टॉप 10 सीरीज और मूवी रिकमेंडेशन लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करें।